दोस्तों, यदि आप गेट 2025 केमिस्ट्री एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वीडियो स्पेशली आपके लिए है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, गेट 2025 का एग्जाम आईआईटी रुड़की के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा और आईआईटी रुड़की के द्वारा गेट 2025 एग्जाम के लिए भी न्यू सिलेबस यहाँ पर रिलीज किया गया है। यहाँ पर मैं आपको यही समझाने वाला हूँ कि जो न्यू सिलेबस गेट 2025 के लिए आईआईटी रुड़की के द्वारा रिलीज किया गया है, इस सिलेबस में और जो पुराना वाला गेट 2024 का सिलेबस है उसमें क्या डिफरेंस है, या फिर दोनों बिल्कुल सेम है, डिक टू सेम, ताकि आपको पता रहे कि सिलेबस में कुछ परिवर्तन हुआ भी है या नहीं हुआ, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सके। साथ के साथ मैं यहां पर कंपेयर करके तो बताऊंगा इसे सिलेबस को, कुछ एनालिसिस करके यहां पर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट किस प्रकार से गेट 2025 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं अपन। ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये गेट 2025.iitr.ac.in एक आईआईटी रुड़की की वेबसाइट है जो गेट 2025 के लिए इन्होंने बनाई है। यहाँ पर आप गेट पेपर्स पर जब क्लिक करोगे तो गेट 2025 टेस्ट पेपर एंड सिलेबस मिलेगा, इस पर आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद ये वाला पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर इसी पेज में जब यहाँ पर आप देखोगे ये केमिस्ट्री वाला सेक्शन, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो सिलेबस यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ये गेट 2025 का आईआईटी रुड़की वाला सिलेबस। इसी तरह से यहां पर मैंने गेट 2024 का सिलेबस भी यहां पर ओपन कर रखा है, ताकि मैं दोनों को कंपेयर करके आपको यहां पर दिखा सकूं। उसके बाद साथ में फिर यह भी बताऊंगा कि प्री ऑफ कॉस्ट आप गेट 2025 के लिए किस प्रकार से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, साथ के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। तो यहां पर सबसे पहले देख सकते हैं कि अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में देख सकते हैं कि यहां पर सबसे पहला टॉपिक दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ग्रुप थ्योरी और फिर उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसी तरह गेट 2024 का जो सिलेबस है, इसके अंदर भी देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ग्रुप थ्योरी और स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप चाहो तो बीच का जो कंटेंट है उनको भी मैच करके देख सकते हो, मैंने मैच करके देख रखा है, इन सभी टॉपिक का ये बिल्कुल कंटेंट सेम टू सेम है जो मैंने यहां पर बोला है। इसी के बाद यहां पर देख सकते हैं आगे क्या दे रखा है, इक्विलिब्रियम में काइनेटिक्स है, सरफेस एंड इंटरफेसेज है। आप चाहो तो बीच वाला कंटेंट पढ़कर देख सकते हो, यहां पर भी आप देख सकते हो इक्विलिब्रियम में काइनेटिक्स मतलब केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट हो गया और सरफेस एंड इंटरफेसेज, ये सारा कंटेंट डिक टू सेम है, एक शब्द का भी यहां पर आगे पीछे अंतर नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर फिजिकल केमिस्ट्री को कंपेयर करोगे तो चाहे गेट 2024 के ले लो या 25 के लो, डिक टू सेम है, एक वर्ड भी चेंज नहीं हुआ, आगे पीछे भी बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। अब यहां पर अपन बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मेन ग्रुप एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेंथेनाइड एनेक्टिनाइड है, ऑर्गेनोमेटलिक्स है, रेडियो एक्टिविटी है, बाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट और इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस है, इसके बाद फिर ऑर्गेनिक आ जाएगी। और यहां पर भी बिल्कुल जब आप देखोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो बिल्कुल डिक टू सेम है, मेन ग्रुप एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेंथेनाइड एनेक्टिनाइड है, ऑर्गेनोमेटलिक्स है, रेडियो एक्टिविटी है, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड एनालिसिस है। साथ के साथ ही बता देता हूं ये जो बीच का कंटेंट है ना, हमने फटकर देख रखा है, पूरा एक शब्द भी यहां पर चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी गेट 2025 में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, एक शब्द भी यहां पर परिवर्तन नहीं हुआ। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर ले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियो केमिस्ट्री हो गया, रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, ऑर्गेनिक सिंथेसिस हो गया, पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री हो गया, हेट्रोसाइक्लिक बायोमोलिक्यूल्स, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारा हो गया। और जब गेट 2024 का भी आप यहाँ पर देखते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चॉइस में भी, तो भी बिल्कुल सेम है, स्टीरियो केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, साथ में पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, बायोमोलिक्यूल्स और यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पर भी लास्ट टॉपिक सेम है, आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर गेट 2024 और 25 का जब सिलेबस अपन देखते हैं तो डिक टू सेम है ना, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, एक शब्द भी चेंज नहीं हो रहा। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि गेट 2025 का जो एग्जाम है वो आईआईटी रुड़की के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है और गेट 2024 का जो एग्जाम है वो आईआईसी बेंगलोर के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था, इसके अलावा कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। तो कुल मिलाकर आप जो प्रिपरेशन करते आ रहे हो आपको वही करनी है, एज इट इज, सिलेबस में कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं हुआ। अब बात करो, मैंने शुरू से आपको बताया कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट किस प्रकार से प्रिपरेशन कर सकते हो गेट 2025 एग्जाम के लिए। तो आपको अगर एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर आप चेक करोगे तो आपको फ्री ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा, किसका, CSIR नेट और गेट केमिस्ट्री के लिए। ये जो फ्री ऑनलाइन कोर्स है इसके अंदर 1000+ वीडियो लेक्चर्स है,
इन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू काफी डिटेल में आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हो किसके गेट 2025 एग्जाम के लिए, और सिलेक्शन भी ले सकते हो। मैं आपको यहाँ पर पक्का बता रहा हूँ यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर कवर करवाई गई फ्री ऑनलाइन कोर्स के अंदर, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ ये भी देख सकते हो कि गेट सीएसआर नेट और गेट का तो फ्री ऑनलाइन कोर्स है ही सही, फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का भी फ्री ऑनलाइन कोर्स है जिसके अंदर 650 प्लस वीडियो लेक्चर्स है जिसके द्वारा आप डिफरेंट डिफरेंट फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे आरपीएससी यूपी एमपी वगैरह सेक्टर। अब गेट और नेट के लिए जो फ्री ऑनलाइन कोर्स है जिसके अंदर 1000 प्लस वीडियो लेक्चर्स है, इसमें ये 1000 वीडियो लेक्चर्स इन सब टॉपिक के मिलाकर है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देख सकते हो स्टीरियो केमिस्ट्री, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएजेंट नेम रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री, सब के सब आपको फ्री कोर्स के अंदर अवेलेबल हो जाएगा और डिटेल में आपको मिलने वाले हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो जनरल फिजिकल केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, पॉलीमर्स और ग्रुप थ्योरी आपको फिजिकल केमिस्ट्री में मिल जाएगी। इन ऑर्गेनिक की बात करो तो फ्री कोर्स के अंदर आपको केमिकल बॉन्डिंग एंड जीआईसी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैग्नेटोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री एंड कैटालिसिस, इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म एंड एफ ब्लॉक आपको कंप्लीट डिटेल में मिलेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना। और स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास और ईएसआर, और हो सकता है जब तक गेट 2025 का एग्जाम हो तब तक हो सकता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाकी टॉपिक भी हो सकता है इस कोर्स के अंदर ऐड कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि सीएसआर नेट और गेट का फ्री ऑनलाइन कोर्स तो है ही सही, इसके साथ-साथ पेड ऑनलाइन कोर्स भी एचकोड क्लासेज एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, सीएसआर नेट जून और दिसंबर एग्जाम के लिए, साथ के साथ ही गेट 2025 एग्जाम के लिए, जिसके अंदर देखो फ्री ऑनलाइन कोर्स के अंदर तो केवल वीडियो लेक्चर्स है ना, केवल क्या है, वीडियो लेक्चर्स है, डिटेल वीडियो लेक्चर्स है, हालांकि हमारे पहले वाले बेच के वीडियो लेक्चर से, लेकिन पेड ऑनलाइन कोर्स के अंदर डिटेल वीडियो लेक्चर से जो बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। इसके साथ इसमें टेस्ट सीरीज भी रहेगी, इसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी अवेलेबल रहेगा, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी भी रहेगा। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑनलाइन कोर्स भी अपनी स्टडी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर छोटे से अमाउंट अगर आप पे कर सकते हो, थोड़े से पैसे खर्च कर सकते हो, तो फिर पेड कोर्स पर भी आप जा सकते हो। पेड कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप इसका फ्री डेमो भी ज्वाइन करके देख सकते हैं कि कोर्स के अंदर कंटेंट कैसा है। तो एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन अभी डाउनलोड करें, डाउनलोड करके आप फ्री कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और छोटे से अमाउंट पे कर सकते हैं, तो फिर आप पेड कोर्स पर भी जा सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने से पहले फ्री डेमो भी आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। थैंक यू।